नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। 2019 के बजट को अगर चुनावी बजट कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। 2019 के बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग, जहां से 2014 के चुनाव में बड़ी संख्या में वोट मिले थे और सत्ता में आने के बाद उनके लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था, उनको खुश करने की पूरी कोशिश की गई। वहीं किसानों को भी, जो हाल ही में आलू फसल की सही लागत नहीं मिलने पर पीएमओ को मंडी में मिले बिल भेजकर अपना गुस्सा दिखा चुके हैं, उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश भी की गई। दूसरी ओर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कर्ज माफी का ऐलान किया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी कर्ज माफी का ऐलान कर रही है। ऐसे में किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान कर मोदी सरकार ने बड़ा दांव पकड़ा। 2019 के बजट में क्या क्या बड़ा ऐलान है आपको बताते हैं। इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपए, निवेश करके 6.5 लाख रुपए तक की छूट संभव। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से बढ़कर 50,000, बैंक से 40,000 तक के ब्याज पर टैक्स नहीं। छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपए मदद। ग्रेचुटी सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हुआ। हादसे की सूरत में ईपीएफओ बीमा 6 लाख हुआ। पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़। महंगाई दर डबल डिजिट से घटकर 4% से नीचे। दूसरा मकान खरीदने से टैक्स में राहत। 2019 के बजट से युवा वर्ग को निराश होना पड़ा। हर साल के बजट की तरह ही सरकार का इस साल के बजट में भी रोजगार, जो इतना बड़ा मुद्दा है, पर ध्यान नहीं दिया। वहीं शिक्षा के लिए भी बजट में कमी होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट इंडिया की खबर।